मुसलमानों से लड़ाई हो तो तुम हिंदू हो, वोट डालना है तो तुम हिंदू हो, मंदिर में जाने की बात आती है, मंदिर में पुजारी बनने की बात आती है, घोड़ी पे चढ़ाने की बात आती है, मूछ रखाने की बात आती है, अच्छा कपड़ा पहन के निकलने की बात आती है, अच्छे मकान में रहने की बात आती है, अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात आती है, तो ये भंगी चमार धोबी दानो काहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गडरिया हो जाते। ये दोहरा मापदंड, वोट डालो तो तुम सब हिंदू, मुसलमानों से लड़ाई आए तो तुम सब हिंदू, मंदिर बने तो सब हिंदू, मंदिर में लड्डू खाने का नाम आए तो तुम सब जातियों में बट गए, और मंदिर में पूजा करने का और पुजारी बनने का काम आए तो तुम सब बैकवर्ड और शुरू का। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा महापुरुष और समाज को जगाने वाले अंबेडकर से पहले वो बैकवर्ड के महापुरुष थे, चाहे तो गाड़गे महाराज हों, चाहे रामास्वामी नायकर हों, चाहे ज्योतिराव फुले हों, चाहे कबीर रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, ये सब लोग बैकवर्ड के लोग थे। इन लोगों की बात इन्होंने नहीं मानी, ये लोग नहीं सोचते कि हमारे महापुरुष हमारे पूर्वजों ने हमको क्या बताया तो ये हमारी क्या बात मानेंगे। पढ़ा लिखा बैकवर्ड है वो, इस बात को जानता है कि हमारा कहाँ शोषण हो रहा है, वो इस बात को जानता है कि हमें कहाँ गुमराह किया जा रहा है, वो जानता है कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, वो जानता है कि हमारी स्वतंत्रता खतरे में है, वो जानता है कि हमारी शिक्षा खतरे में है। इन मनुवादियों ने ये तोड़फोड़ की नीति करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बैकवर्ड को लड़ा दो, बैकवर्ड को किसी और से लड़ा दो, शेड्यूल कास्ट को मुसलमान से लड़ा दो, ये हमेशा एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। इन्होंने जातियों में बांटा, वर्णों में बांटा, उस कारण से ये सब लोग बटे हुए हैं, लेकिन सबकी कुटाई एक ही तरह से हो रही है, भेदभाव एक ही तरह से हो रहा है, इनकी शिक्षा एक ही तरह से मिटाई जा रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब तक बैकवर्ड नहीं जागेगा तब तक इस देश में कोई भूचाल आने वाला नहीं, जब तक यहाँ का मुसलमान नहीं जागेगा, जब तक शेड्यूल कास्ट नहीं जागेगा, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं जागेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग भी वही जागृत हुए जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा, ज्योतिराव फुले को पढ़ा, रामास्वामी नायकर को पढ़ा, सविताबाई को पढ़ा, सावित्रीबाई को फुला फुले को पढ़ा, कबीर और बुद्ध को पढ़ा, वो लोग जागृत हुए। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, चाहे तो वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं या बैकवर्ड के लोग हैं, वो जागृत नहीं हुए। वो आज भी अंधविश्वासी बनकर उनका झंडा लेकर और आज भी वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बैकवर्ड के लोगों से, संविधान को पढ़ो और उसमें देखो कि बैकवर्ड के पिछड़ा वर्ग को डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा है, क्या बताया है। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।